रोजाना राशिफल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यह समय जिनका भी बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। दोस्तों आइए यहाँ जानते हैं किन राशि के जातकों को लाभ होगा और किन्हें मिलेगी खुशखबरी। आज भगवान श्री सूर्य देव जी की कृपा किन राशि जातकों पर होगी और कैसा रहेगा आज का दिन, आइए यहाँ जानते हैं। रविवार 13 जून 2021 को आपका दैनिक राशिफल कैसा रहेगा, किन्हें मिलेगी सफलता और कौन से जातक रहेंगे दिक्कत में, आइए यहाँ जानते हैं। और आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके राशि पर क्या होगी, चलिए हम पूरी विस्तार से जानेंगे। आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफ़ी अच्छे विचार दिए गए हैं आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि आपकी राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। 13 जून 2021 दिन आज रविवार का है और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि बन रही है। यह रात्रि के 9:40 तक चलता रहेगा और इसके उपरांत शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी नामक तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र रहेगी पुनर्वसु। यह शाम के 7:01 तक चलता रहेगा और इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का सूर्य उदय का समय यह सुबह के 5:44 पर होगा और सूर्यास्त होगा ठीक शाम के 7:09 पर। सूर्य राशि रहेगा वृषभ राशि पर और चंद्र राशि चंद्रमा आज मिथुन राशि इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा, जो कि यह ठीक दोपहर के 12:32 तक चलता रहेगा। अर्थात आज के दिन का शुभ समय यह दोपहर के 12 बजे से लेकर ठीक 12:53 तक चलता रहेगा। आज का राहु काल का समय यह शाम के 5:28 से लेकर ठीक शाम के 7:09 तक चलता रहेगा। याद रखिएगा दोस्तों, राहु काल के समय किसी भी तरह के नए और शुभ कार्य की शुरुआत आप बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आपके दैनिक राशि फल की। जी हाँ, हम आपके दैनिक राशि फल की बात कर रहे हैं। मेष राशि वालों को आज हम बताना चाहेंगे, आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा और यह समय सामाजिक जनों के बीच आपकी सराहना होगी। हम आपको बता दें, अपनों का साथ मिलेगा और आज आप धार्मिक कार्यों में खर्च करेंगे। जी हाँ, हम आपको बता दें, आज आप नया मकान या जमीन खरीदने का प्लान बना सकती हैं। दिन आपके लिए अनुकूल है। हम आपको बता दें, यह समय पुराने निवेश से आपको लाभ होगा और अनजान लोगों की वजह से आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए हम आपको बता दें, अनजान लोगों से दूरी बना के रखें और ज़्यादा तालमेल न रखें, अन्यथा आपके साथ धोखा होगा। हम आपको बता दें, सेहत आपकी ठीक रहेगी और नौकरी पैसा को सहयोगियों की मदद मिलेगी और सगे संबंधियों के साथ आज आपकी मुलाकात होगी। हम आपको बता दें, युवाओं को कामयाबी मिलेगी और हम आपको बता दें, लेन देन करते समय सावधानी रखना होगा, इससे कारोबार की स्थिति आज आपकी मजबूत होगी और आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, आप अपने संपर्कों के कारण व्यापारिक एवं व्यावसायिक संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें, आप अपने प्रयासों में चौतरफा सफलता प्राप्त करेंगे और आपकी शक्तियाँ बढ़ेंगी। हम आपको बता दें, आपके परिवार के सभी सहकर्मियों में खुशी खुशी आपकी मदद करेंगे और कुछ पुराने परिचितों से मिलेंगे। हम आपको बता दें, आप अपने द्वारा किए गए किसी भी निवेश में लाभ प्राप्त करेंगे और मन आपका संतुष्ट रहेगा। हम आपको बता दें, अगर आप एक जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो समय आपका अच्छा है।
हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपका विवाह हो चुका है तो आप अपने रिश्तों को लेकर संजीदा रहेंगे तथा आपका अपने साथी के प्रति विश्वास और बढ़ेगा, और इस दौरान आपका अपने साथी को लेकर किसी से वाद विवाद भी हो सकता है। हम आपको बता दें, वाद विवादों से दूरी रहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज आपका शुभ रंग हरा रहेगा। आज के दिन हरे रंग का कोई भी वस्तु साथ रखें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज आपका शुभ रंग एक रहेगा। अगर आप भगवान श्री सूर्य महाराज का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सच्चे मन से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय सूर्य महाराज जरूर लिख दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।